हाय हाय, अरे पूरे महीने में मैंने सिर्फ 800 रुपए बचे, ये क्या बात हुई? क्या करूंगी, वो कमबख्त गुल्लू भी 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा, क्या बनेगा पता नहीं। अम्मा 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 अम्मा, इस उम्र में बातें छुपाना अच्छा बात नहीं होता, चुपचाप बता दो तुम्हें कौन सा बीमारी हुआ है। तेरे मुंह में खाक, मुझे क्यों होने लगी बीमारी? अम्मा देखो, अब हम बड़े हो गए और हमने ना मट्टी खाना छोड़ दिया, चुपचाप बता दो क्या बात छुपा रही हो। अरे कुछ नहीं छुपा रही, चलो यहाँ से। अम्मा देखो, साफ साफ बता दो क्या बात है, क्योंकि हमने तुम्हारे हाथ से 100 रुपए के नोट को झांकते हुए बाहर देख लिया है। वाह वाह, क्या चील की नजर पाई है, वाह। बहुत शुक्रिया, चुपचाप दोनों मुठ्ठियां आगे करो और खोल दो। हाँ हाँ, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ ना, दोनों मुठ्ठियां खोल दे, चल दफा हो यहाँ से। अरे अम्मा, क्या करोगी इतना पैसा छुपाकर, बच्चों में बांट दो, क्या पता तुम्हारा आखिर समर जाए। अरे कौन सा इतना पैसा, कुल मिला के 800 रुपए ही तो है। हाँ तो एक काम करो, 100 तुम रख लो, 700 हमें ढीले कर दो। एक पाई नहीं दूंगी, ये पैसे किसी काम के। अरे किस काम के लिए, तुमने बाजार से मीठा पान खाना होगा। अरे बकवास बंद कर, ये पैसे मैंने तुम दोनों के कपड़ों के लिए रखे। अम्मा कपड़े तो हमने पहने हुए हैं। अरे कमबख्त, ईद पे क्या पहनोगे, ईद के कपड़ों के लिए जमा कर रही हूँ पैसे। अच्छा ईद का तैयारी हो, तो फिर इन पैसों से क्या होगा, थोड़ा और जमा कर लो। शर्म तो नहीं आ रही ना अम्मा, कुछ और इंतजाम कर लो, ये नहीं है कि खुद कुछ इंतजाम करके ले आओ। भाई इंतजाम कर लो, हम बता रहे हैं इस दफा ना हम कुर्ता और पजामा दोनों बनवाएंगे। अरे जाओ जाके कुछ पैसों का इंतजाम करो, लोग पता नहीं क्या क्या मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और एक तुम लोगो जाओ। अरे अच्छा ये बात है ना, तो अब देखना अपने बच्चों का कमाल, हम जाते हैं और बबन भैया की गैरत को जगाते हैं। इस बार या तो पैसा नहीं या तो बबन भैया नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं। हाँ तुम तो कहीं नहीं जाओगे कमबख्त, निखट्टू औलादें कमबख्त, कहां से देंगे पैसे। बोले की सूरत आंखों में बसी दूध खरी शर्माए, हो गया आए हाय गालिया जी नरसी। चल अपनी शक्ल घूम कर, नजर मत लगा मुझे। नरसी मैं आपको नजर कैसे लगा सकता हूँ, मैं तो खुद इतना मासूम, अगर मेरी नजर लगी होती तो सबसे पहले मायरा खान को लगती, नरसी ऐसी फंसती ना मुझसे दुनिया देखती। नरसी नरसी, वैसे आप इतना तैयार क्यों हुए? मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। वाह नरसी, पूरी दुनिया की लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होती है, और एक आप के जाने के लिए तैयार हो गई। ओहो बबन, खूबसूरत भी तो दिखने जा रहे हैं ना। नरसी आप तो वैसी खूबसूरत है, आपको क्या जरूरत है लापू लापा करने की। भाई तुझे नहीं पता, जब बाजार से कोई नई गाड़ी खरीदते तो मैकेनिक को दिखाते हैं ना, इसीलिए। ओ अच्छा नोशी, तो इसका मतलब ये हुआ आप अपने ब्लैक चेंज करवाने जा रही हो। बबन झुमके दे। नोशी झुमके ये ले लो। चल ठीक है अब निकल लो। नोशी चाहता हूँ मैं, जल्दी है क्या, बोले पिया गोले पहला, तेरे मेरे न जाने कसम से तेरा हो गया तेरे उप। नोशी नोशी, अरे कहीं छलांग तो नहीं मारती नोशी? नोशी 1 2 3 4 20 लो भाई आ गया तुम्हें वो आइडिया। अरे यार तू 20 तक तो गिन। अरे हो गया ना 20। अच्छा एक काम कर, एक बार और गिन। अरे यार छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम सोच लेते हैं। अरे मेरे बस का बात नहीं है तो कम से कम मेरे रिक्शे का तो बात है ना। और आप एक काम करो, आप कुछ ज्यादा नहीं सोचो, आप जब ज्यादा सोचते हो ना तो हम पे भारी पड़ता है। अरे हमारे कहने का मतलब हम दोनों मिलकर सोचेंगे ना, दिमाग लड़ाएंगे तो कोई आइडिया आएगा। आइए। ओ आ जैसे लोग मुर्गे लड़ाते हैं अपन दोनों दबा के लड़ाए। आ जा मेरा भाई, आ जा। ओ पागलो, ए ए क्या कर रहे हो, बकरों की लड़ाई कितनी कर रहे हो? नशी जी हम लड़ नहीं रहे, नशी जी हम अपना दिमाग लड़ा रहे। वाह भाई दिमाग लड़ा रहे हो, वैसे दिमाग क्यों लड़ा रहे हो तुम? नशी असल में ईद आने वाली है, हमारे पास कपड़े खरीदने के पैसे होंगे। लो तो इसमें कौन सी नई बात है, वैसे गरीबों की कौन सी ईद कौन सी बकरा ईद। चुप करके बैठो। वैसे नशी आपने बगैर बताए कहाँ गई थी? मैं पार्लर गई थी, फेशियल कराना था, ब्लीच कराना था, बाल सेट कराने थे। तो सब करा लिया? नहीं। नशी आपकी नाकाम वापस लौटने की वजह क्या है? अरे यार बबन मेरे पास ना 500 रुपए थे और इन सारे कामों के ना 4,000 रुपए लगते हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे अच्छा हुआ नौसी आप अपना सही सलामत चेहरा लेकर वापस आ गए। हाँ मगर अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, वैसे प्यारे इन पार्लर वालों के ना बड़े ऐश है, सारा वक्त लड़कियों का रश लगा रहता है। अरे वाह 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 नौसी, नौसी फिर एक काम करते हैं, दोनों साथ चलते हैं, वहाँ आंखें भी ठंडी हो जाएंगी और दिल भी लगा रहेगा। अरे चुप करो ना, हमारे जहन में एक आइडिया है। क्या? वैसे ये नौसी ये पार्लर वाले कितना कमा लेते होंगे? पता नहीं लेकिन 10-20 हज़ार रुपए ना तो कहीं नहीं गए। तो क्या हुआ? नशी खाली पेट इतने सारे पैसों के बारे में सुना तो एकदम से अंदर से चक्कर आ गए। अरे छोड़ो ना यार, हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग मिलकर पार्लर खोल लेते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे। रहने दे प्यारे, हर काम शुरू करने के लिए ना पैसों की जरूरत है, हमारे पास कहाँ है? अरे तो अम्मा से ले लेंगे ना पैसा। अम्मा के पास ना कुल मिला के 800 रुपए है और उसमें सिर्फ नाई की दुकान खुल सकती है। अरे तुम जानते नहीं हो अम्मा को, छप्पड़ किया हुआ पैसा। चलो बात करते हैं। चलो ठीक है, फिर तुम्हारी अम्मा से ही बात कर लेते, वैसे पार्लर खुल गया ना ऐश ही लग जाएंगे। चलो यही तो कह रहा है, चलो ऐश कर आओ। अम्मा जब पैसे देगी ना हम ये करेंगे। अरे ये वहाब करता है, चलो यार तुम वहाब।
पागल का आइडिया बुरा नहीं है। पार्लर। पागल का आइडिया बुरा नहीं है। पार्लर। मेरा रे खराब है। हम कह रहे थे ना अच्छा आइडिया लाओ, पैसा ढीला करो। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुझे कह रहा था ना मैं इंटरनेशनल कंगली चल लिया। अभी बताएं तुम्हारा थोड़ी देर पहले का वाकया। कौन सा किस्सा? अरे 800 रुपए थे सिर्फ। ये वैसे ये बताओ मेरे को क्या ये ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे चाहिए क्यों है? ओहो बब्बन, अगर पार्लर खोलेगा तो जगह की जरूरत पड़ेगी ना, दुकान वगैरह। जिंदगी घर में खोल लो। अरे वाह बब्बन भैया, तुम्हारा दिमाग चल रहा है। हाँ चल रहा है, मैं तो बैठा। अरे नहीं मतलब वैसे आइडिया आ रहा है। ओहो लेकिन मेकअप के सामान का क्या करेंगे? अरे जैसे आपके पास है ना कोयला, केचप, दही, ये किस दिन काम आएगा? लेकिन मैं अपना सामान क्यों इस्तेमाल करूँ? अरे तो पैसा नहीं चाहिएगा तुमको। हाँ वैसे ये ठीक रहेगा। ठीक है मैं अपना मेकअप इस्तेमाल कर लूंगी, तो मैं आधी मालिक। मालिक नहीं, मालकिन ही हुई। वही मैं बता रही हूँ, ये जो है ना ये बहुत गंद करेगी। अरे अम्मा ये गाय थोड़ी है कि गंद करेगी। मैं बताता हूँ कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे क्यों करेगा, ठीक है? नुशी जो है सारे कस्टमरों का मेकअप करेगी और उनका पिज्जा ब्यूटीफुल करके क्यूर करेगी। हाँ पापा मैं ना बड़ा अच्छा मेकअप करती हूँ। ठीक है अम्मा जो है हमारी अम्मा, तुम कस्टमरों के बच्चों को चुप कराना ताकि पार्लर के अंदर शोर शराबा ना हो। वेरी गुड। ठीक है प्यारे, तू सारे कस्टमरों का शोर है, अपने भाइयों की मुफ्त में शेव करियो, उनको खुश करियो। अरे मुफ्त में क्यों, हमें पैसा कमाना है। अरे प्यारे अगर सर्विस अच्छी देगा तो पैसे भी तो अच्छे मिलेंगे ना। हाँ ठीक है बबन आगे बोल। आगे बच्चा अब्बा। अब्बा ये नहीं मैंने अब्बा को घंटी की जगह लगा देते। अरे अब्बा को तो वो जो उसका भाई है ना जाहिल, गांव बुला लिया उसने। अरे उनको सामान में एतकाफ बिठा दिया है। अच्छा ये बता बब्बन तू क्या करेगा? अम्मा मैं मेरी नुशी का सुसु लगूंगा। हाँ ठीक है फिर चलो तैयारी करें। चलो फिर आइए तैयारी करें। तैयारी करें आइए। चलो भाई पागल तो खुल गया, अब गिराक पकड़ के लाओ। मैं गाका से पकड़ के ला, कैसी बातें कर रही है? अरे खैरन बिल्कुल ठीक करी, गली गली पाने खुले में जा ले क्या? अरे देखा हमारी नौसी कितने होशियार है। ए प्यारे मुझे भी गंजा कर दूं क्या बिठा के पहला कस्टमर बना के? अच्छा सॉरी वो हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ औरतों से बात करेंगे और उनकी खिदमत करेंगे बस। तुम्हें क्या खिदमत सौंपी थी ये तो मैं भूल ही गई। अब मसाज वाली तो बात हो बात हो बात। अरे नहीं नहीं हमारा कहने का मतलब है कि मर्दों का मसाज करेंगे खाली। हाँ बस ठीक है। अच्छा हमें शाम तक ना 10,000 रुपए तक का धंधा करना है। अम्मा ऐसी बातें ना करो कि शाम से पहले उठा लिए जाए हम लोग। और तुम्हारा तो शक्ल से इतना मस्तूक है तुम्हें सबसे पहले उठाएंगे लोग। ओहो एक काम करो तुम दोनों जाओ गली गली जाके ना मशहूर कर दो कि हमने अपने घर में बड़ा जबरदस्त पालन किया। ठीक है अब आप देखिए मैं भाई जाकर कैसे सीन कर दूंगा। चलो जाओ जल्दी। चलो चलो जल्दी शाबाश। कैसे जाना है? ओहो बाइक खरीद लिया इन्होंने फौरन। चलो जाओ सही तरह हो गए बैठो। स्पीड ब्रेकर पे कस के पकड़ना। चलो चलाइएगा स्पीड ब्रेकर। ए, ये मेरा सामान है। ठहर जा देख रही हो ना? देख रही हूँ। देख ले दूर दूर से। बहुत पुराना है नौजी। अरे 3 साल पहले एक्सपायर हो गया था रख दे। अरे अच्छा हुआ बबन भैया के अब्बा गए हुए हैं गांव, वरना बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। अबे यार अभी तो बहुत बच्चियां घेरनी है तू देखी बस। अरे वो देख आ रही है पहली कस्टमर। अरे आपको कैसे पता? अरे तू चेक कर रवि भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो माशाल्लाह आपने रंग बड़ा पक्का कर लिया है, लेकिन हम आपको और ज्यादा खूबसूरत बना लेंगे। क्या वो कैसे? हम आपकी जगह कर नई लड़की लेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हम आपको एकदम मायरा खान बना देंगे। हा? मगर कैसे आपको जादू आता है क्या? अरे जादू तो हमारे नौसी के हाथ में, इतना अच्छा मेकअप करेगी कि आपके घर वाले भी आपको नहीं पहचानेंगे। मेकअप आपका ब्यूटी पार्लर है क्या? जी जी अंदर आइए, एकदम आलीशान नकली ब्यूटी पार्लर खोला है हमने। मतलब मेरे शोहर भी मुझे नहीं पहचान सकते? अरे आपके शोहर तो आपको वैसे नहीं पहचानना चाहते, लेकिन हम आपका मेकअप कर देंगे बहुत अच्छा वाला। आइए आइए अंदर आइए अंदर आइए अंदर ब्यूटी पार्लर। जाके दूसरी बची आ गई तो रिसाइकल वाले को गिरा दीजिए। मैडम। अरे यार बब्बन तुझे एक काम के लिए भेजा था फिर लड़की पकड़ के ले आया। नोची बहुत बड़ी बड़ी फेंक के मैं इसको घेर के लाया, हमारी पहली कस्टमर है। अच्छा कस्टमर है। मैं नोची अस्सलाम वालेकुम, आपको RSG पार्लर में खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, ये ब्यूटी पार्लर आप चलाती हैं? हाँ मैं चलाती हूँ, क्यों? मुझे ना मेकअप करवाना है। अरे नोची आपके मुँह का ऐसा पेडीक्योर करेगी पूरी दुनिया देखेगी। मुँह का पेडीक्योर? तो और क्या बालों का होता है पागल? मैं बात कर रही हूँ ना, अब मैं आपका मेकअप कर दूंगी। चलो चलो पहले आप ये तो बताएं पैसे कितने होंगे। अब आपसे क्या पैसे मांगूं? आप पहली दफा आई हैं तो एक काम करें सिर्फ 2,000 रुपए दे दें। लेकिन देखिएगा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जाएगी आप। 2,000? अच्छा ठीक है
लेकिन एक मसला है। क्या मसला है तेरे साथ? तेरे नखरे बढ़ते नहीं जा रहे मिनट बाय मिनट। वो क्या है ना, मेकअप करवाते वक्त मैं सो जाती हूँ, अगर मैं सो जाऊँ तो आप लोग मुझे जगा दीजिएगा प्लीज। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पहले कम जगह घेर के खड़ी, अब तो सोने की भी जगह नहीं। कौन है यार ये? सबान को लगाम दे बाबा। नहीं जी, आप मुझे बोल दीजिए, उसका बोल दीजिए कुछ बात। हो जाएगी, मैं बात कर रही हूँ ना। अब ठीक है, आप सो जाना। चलो चलो, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। चलो चलो। अरे चले ना मेकअप, तू मेरी हेल्प करेगा। चलो चलो चलो, आए आए आए, मैं आपका मेकअप करती हूँ। बैठे बैठे बैठे। आप एक काम करो, आप इधर बैठ जाओ, आगे बंद कर लो। हम पे भरोसा करो, हम आपको बोल ट्रेड करके भेजेंगे, ठीक है? आगे बंद करो, आगे बंद करो। नहीं, रेडी स्टेडी गो। आगे बंद रखनी है, ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छा। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है ना? अब एक काम करो, आगे बंद करते ही कल्टी हो जाए यहाँ से, पैसे दे दो। मगर मैं आंखें बंद करके चलूंगी कैसे? अबे कैसे लेगी, पैरों चलती है आंखों से? मगर पैसे तो देकर ही दूंगी ना। अरे यार, हम आपको कौन लग रहे? हम बहुत भरोसे वाले लोग हैं, आपको पता है मेरी दो बार शादी होगी है बगैर देखे पैसे। ये देखो, ये 1000 रुपए ले रहे हम, ये देखो दूसरा 1000 रुपए ले रहे हम। चलो बस हो गए, 2000 ही लिए है ना? हाँ हाँ, 2 ही लिए। चल बबन छोड़ के आ। नुशी नुशी ऐसे बोल रही है जैसे जेब में कोई 2 करोड़ रुपए लेके आई हुई। चले हसीना, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाऊं। आ जाओ मेकअप वाली, मेरा बाजा बजा दो। चलो मेरे पीछे मेरा कोयला जला दो। आ जाओ मेरे पीछे मेरी गैस बढ़ा दो, गर्मी लगा दो, ठंडक बढ़ा दो। ए प्यारे प्यारे, ये क्या सांप की तरह रींग रहा है, यूं कर रहा है? अरे अम्मा से रींगना नहीं कहते, से भूख से बिलकना कहते हैं। 3 घंटे पहले तूने खाना खाया है, अब ठीक 3 घंटे बाद तुझे खाना मिलेगा। अरे क्या कह रही हो अम्मा, इतनी देर में हम चल बसेंगे। सबसे ज्यादा खाना तू खाता है और सबसे पहले भूख भी तुझे लगती है। अरे हम क्या करें, हमारी फिटिंग कुछ ऐसी है। अरे मैं तेरे लिए कस्टमर लेके आई हूँ। अरे क्या कह रहे, कोई खूबसूरत लड़की है का? हाँ भाई आ जाओ, अंदर आ जाओ। अम्मा ये तो आया चला जा रहा, पूरा आगे का पीछे कुछ बाकी है? ये नबील है। अरे वाह, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। हैं कैसे? अरे वो है ना, मैं बहुत था वही वाला है ना। अरे क्या कराने आए भाई? पता है ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि ये 1 घंटे में गोरा भी हो जाए और 1 घंटे में दुबला भी हो जाए। अम्मा हमारा नाम दानिश तैमूर नहीं है, सारा इंजेक्शन उसके पास है और ये काम जो है ना 1 घंटे में से साइंस कर सकती है, हमारे पास का बात नहीं है। ओ भाई तू भी तो मुंह से कुछ फूट, क्या करवाना है? अगर दुबला नहीं कर सकते तो फिर मसाज ही कर दो। अरे मसाज में तो उसने एकेडमी अवार्ड लिया है। ये करेगा मसाज, अगर मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे तुम्हारा मसाज करते हो तो कोई भी नहीं जाके मर सकता भाई। मुझे अब कुछ नहीं पता, अब मैं आ गया हूँ, चलो शुरू हो जाओ। हाँ तुम्हें नहीं पता, हमें सब कुछ पता है ना। अम्मा एक काम करो, नाक कान और आंख तीनों बंद करके बाहर चली जाओ, क्योंकि शायद कुछ गलत दिखाई भी दे सकता है। सुनाई तो देखा ही और सुनाई भी, जो कुछ होगा बहुत नाजेबा होगा। आप बाहर जाओ, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थोड़ा यूं घूमिए, अरे आप तो हर तरफ से गोल है, आपका सिरा ही नहीं मिला, थोड़ा चोट तो निकालिए, पकड़ेंगे कहाँ से? सुन बे कमजोर इंसान, चुपचाप मसाज शुरू कर, वो भी चाइनीज में, तेरी गोद में बैठ के तेरी गोद तोड़ दूंगा। तो भरम कराने का बात नहीं, हम खड़े होंगे, हम भी आपसे लंबे हैं। इसीलिए बोलो शराफत से लिख। दो चिकन टिक्के, दो
चिकन बिरयानी, दो चिकन बिरयानी, दो चिकन के मगर, दो चिकन के मगर, और फिर चिकन नली। चिकन नली, ये भी आज से हमारा मजे का दिन हो जाएगा। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। 2000 रुपए में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है। कोई हिस्सा नहीं है, मेकअप मैंने किया था। ठीक है नोशी, फाइन, थैंक यू वेरी मच। ये क्या चीज है? क्या नोशी, ये निकला तो हमारे घर से, लेकिन सवाल ये हमारे घर में घुसा कैसे? जैसे तू घुसता है, पर पीछे कौन है? मैं पूछता हूँ। हाँ भाई बोस, कैसे आ रहे हो? और नोशी कैसी हो? अरे नोशी कैसी हो, इसे मेरा नाम भी पता है भाई। ये कौन है जो आपका नाम खुर्रम दे रहा है? नोशी, मैं नबील हूँ, नोशी का फैन। बबन कोई बात नहीं, फैन तो फैन होते हैं ना, बर्दाश्त कर ले। नोशी क्या करूँ, इसको गले लगा लूँ, इसको सर पे बैठा लूँ, इसे निकाह पढ़ लूँ, क्या करूँ मैं? हाँ भाई बॉस, आप आए क्यों हो? मसाज करवाना है तो मसाज हो गया आपका? अंदर जाके अपने भाई की लाश उठा लो, बेचारा थक कर गिर गया है। नोशी ये जो प्यारे है ना, ये थक के गिर जाता है अक्सर। अच्छा नोशी, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। देखिए चलता भी है। पापा कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, चल दरवाजा बंद कर। नोशी वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे लोग आ रहे। सुबह एक नताशा आई थी नोशी, उसके साथ जब मैंने 2 मिनट बात किया ना नोशी, तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे अदनान है। अरे नहीं, वो नताशा आई थी, उसकी आवाज आ रही थी। चल तू लिख। नोशी मेरे को लग रहा है अदनान था। जो भी था तू लिख। भाई बहन साथ आए गए एक ही कपड़ों में, ये नोशी। अरे का हुआ अम्मा, क्यों परेशानी का ओवर एक्टिंग कर रही हो? ओवर एक्टिंग? अरे दफा हो यहाँ से, चल। अरे का हुआ भैया, क्यों काटने को दौड़ रही हो? काटने को दौड़ रही हूँ, कुत्ता हूँ क्या जो काटूंगी? हमने कुछ नहीं बोला भाई, जो खुद समझे समझे। अच्छा बकवास बंद कर। तब वक्त 2 घंटे से गए हैं खाने का सामान लेने, अब तक वापस नहीं आए। अरे तो परेशानी का क्या बात है, अभी फोन कर लेते हैं ना बबन भैया को। ये अल्लाह क्या मनु शकल आ रहा है इस पे। हेलो, हाँ बबन भैया, अभी बात। हाँ अरे कहाँ रहेगा भाई, बैठे हैं भूखे। हाँ होटल में हो ना नौसी के साथ, खाना लेने गए हो? हाँ हैं? का भाई बहुत लाना था आप पे, का कह रहे हो? अरे अरे बात तो सुनिए। अरे बबन भैया, अरे हेलो, क्या हुआ? बबन भैया नौसी के साथ बैठे खाना खा रहे हैं, हमें कहता जो खाना खाओ बल्कि हवा खाओ, उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाद में मिलके मारेंगे उसको, लेकिन अब सोचो कि हमें क्या खाना है। अरे हमें क्या पता हम क्या खाएंगे अम्मा, हमारे हालात इतने अजीब है। ये पैसे कहाँ से? अरे वो तुमने 3 किलोमीटर का आदमी भेजा था ना, अर्जुना राणा टूंगा, उसको दबा दबा के पागल होगा, उसने 1000 रुपए दिया हमको इनाम में। अरे बस ठीक है फिर तो, इन पैसों का ना हम दोनों मिलके टिक्का वगैरह खाएंगे। अरे ऐसा कोई सीन नहीं है टिक्का वगैरह का। तो फिर क्या सीन? वो हमें ना एक मैसेज आया है, वो कामरान भाई है ना हमारी पिछली गली वाले, उन्होंने नया पिज्जा शॉप खोला है, वहाँ जाके पिज्जा खाएंगे नौसी के साथ कल हम। लानत है तेरी शक्ल पे, एक बेगैरत उसे आज खाना खिला रहा है और दूसरा बेगैरत कल का प्रोग्राम बना रहा है। अम्मा बच्चों के पैसों पे नजर रखना अच्छी बात नहीं होती। ए प्यारे इधर आ। अम्मा दूर से बात करो। इधर आ। अम्मा नहीं, इधर अम्मा हम पैसे नहीं देंगे। इधर अम्मा नहीं, अम्मा 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 क्या मसला तेरे साथ है? एक सेकंड वापस। क्या काम करूं मैं, काटे ठेला लेके घूम रहा। क्या खरीदो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। ये केले दरख्त से उतार लो भाई सूखे।